स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 12, राइट, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। सबसेक्शन 1 जो है, इन कंप्यूटिंग, जब हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे किसको, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन। जब भी हम कंप्यूट करेंगे द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन, द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रेकंड शैल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, जो पर्टिकुलर डे है जहां से वो पीरियड कैलकुलेट होगा, द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रेकंड शैल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है दोस्तों, यहां से कई बार क्वेश्चन फॉर्मेशन ये पुट की जाती है कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 अप्लाइज टू सूट, अपील और एप्लीकेशन, डी ऑप्शन, ऑल द अबव। इस वजह से भी क्वेश्चन पुट किया जाता है यहां से। ठीक है, एक बार सबसेक्शन 2 देखते हैं, देन वी विल मूव टू एन एग्जांपल। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है, जब हम कंप्यूट करते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील, किस केस में, फॉर एन अपील और एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील। ठीक है, किसी भी अपील के लिए या किस चीज की एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील और फॉर रिवीजन और रिव्यू ऑफ अ जजमेंट। क्या क्या पॉइंटर्स कवर्ड हैं? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील, किसी भी अपील के लिए या किसी भी एप्लीकेशन के लिए फॉर लीव टू अपील और फॉर रिवीजन और फॉर रिव्यू ऑफ अ जजमेंट। ठीक है, चार चीजों की बात की है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील और फॉर रिवीजन और रिव्यू। ठीक है, चारों पॉइंट्स याद रखने हैं, किस किस पार्ट पे एप्लीकेबल है। द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट ऑफ वॉज प्रोनाउंस्ड, द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट ऑफ वॉज प्रोनाउंस्ड एंड द टाइम रिक्वायर्ड, कौन सा दिन, द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट ऑफ वॉज प्रोनाउंस्ड एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द डिक्री। क्या क्या आप चीजें कवर्ड है, द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट ऑफ वॉज प्रोनाउंस्ड एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री, जितना टाइम लगा, सेंटेंस और ऑर्डर अपील फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज्ड और रिव्यूड शैल बी एक्सक्लूडेड। राइट, यहां पर पॉइंटर्स क्या है, दो चीजों की बात की गई है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील, एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील और फॉर रिविजन, चार पार्ट में क्या होगा, ऑफ अ जजमेंट, द डे on which the judgment complained of was pronounced, पहला pointer, and दूसरी बात किस चीज की गई है, and the time requisite for obtaining a copy of the decree, पहला point, that is repetition का benefit ये है, आपको चीजें याद भी होनी चाहिए, जिस दिन judgment complained of was pronounced and the time requisite for obtaining a copy of the decree, ठीक है, जितना time लगा for obtaining the copy of the decree, This pointer shall be excluded, right? यहां पे दोस्तों सेक्शन 12 का एक एग्जाम्पल देखते हैं। सेक्शन 12 इज कवर्ड अंडर पार्ट 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन, द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रेकंड शैल बी एक्सक्लूडेड, 12 सबसेक्शन 1। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, लेट्स से पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है, 3 years। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड ऑन 1st Jan 17, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना दे रखा है, 3 years, द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रेकंड शैल बी एक्सक्लूडेड।
ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट जैन 17 इज एक्सक्लूडेड, लास्ट डेट इज फर्स्ट जैन 2020। लास्ट डेट क्या बनेगी, फर्स्ट जैन 2020, बिकॉज जो फर्स्ट जैन 2017 है इसको एक्सक्लूड किया गया, तो जो लास्ट डेट है 31/12/2019 नहीं बनेगी। ठीक है, अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन 12 इयर्स है, सिंपल फंडा है, 12-1 का एग्जांपल जो हमने लिया है, यहाँ से कई बार एमसीक्यूज में आपको ये पुट किया जाता है कि ये पर्टिकुलर डेट है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन इतना है, लास्ट डेट कब होगी। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज वही सेम डेट आप रिपीट कर देंगे, जितना भी टाइम दिया है चाहे वो 1 ईयर है, ठीक है, आपको पीरियड कैलकुलेट करके इट विल बी द सेम डेट आफ्टर दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन को ऐड करने के बाद, दिस इज अ ट्रिक टू बी आंसर्ड। ठीक है, जब आप एमसीक्यूज में आंसर करेंगे तो आपको वो सेम डेट लेके चलना है। ठीक है, अब इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील और फॉर रिविजन और रिव्यू, ये पार्ट जो हमने कवर किया किस किस चीजों की बात करता है, 12 सबसेक्शन 2, अपील, एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील, रिव्यू, रिविजन, राइट। सबसेक्शन 3, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, वेयर अ डिग्री और ऑर्डर, दोस्तों इनमें से जो सेक्शन 12 है इसका एक ध्यान रखेंगे, इन एग्जामिनेशन दे कैन आस्क कि पर्टिकुलर इस सबसेक्शन में क्या क्या चीजें कवर्ड हैं। ठीक है, मतलब 12 सबसेक्शन 2 की बात की, इसमें 4 पॉइंटर कवर्ड हैं, आपको ऐसी ऑप्शंस दी जा सकती हैं एग्जामिनेशन में। लाइकवाइज सबसेक्शन 3, वेयर अ डिक्री, अगर कोई भी डिक्री और ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम, वेयर अ डिक्री और ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज और रिव्यूड, और वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर लीव टू अपील फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर, द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द जजमेंट, द टाइम रिक्विजिट, जो भी टाइम रिक्वायर्ड है फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द जजमेंट शैल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड, राइट। 12 सबसेक्शन 4, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड, द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द अवार्ड शैल बी एक्सक्लूडेड, राइट। एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ अ डिग्री, जब हम कंप्यूट करते हैं अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ अ डिग्री और एन ऑर्डर, एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट टू प्रिपेयर द डिग्री और ऑर्डर बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर अ कॉपी देयर ऑफ इज मेड शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड। ठीक है दोस्तों, एक पूरा पॉइंटर समझना, देखिए ऑर्डर 20 क्या बात करता है, सिविल प्रोसीजर कोड के जो जजमेंट है, ठीक है, जो जजमेंट डेट है डिग्री पे क्या होगी, वही डेट होगी। अब पॉइंट ये है, जो डिक्री बनाई जाती है कोर्ट में दैट इज बाय द डिक्री क्लर्क, सिग्नेचर जज के ही होते हैं, बट पॉइंटर यहां पे ये है कि जब डिक्री बनाई जाती है, ठीक है, इट टेक्स टाइम, इट कैन बी 2 मंथ्स, 3 मंथ्स और इवन 6 मंथ्स एट अ टाइम। अब अगर सिर्फ पार्टी ये सोच रही है कि अभी तो डिक्री नहीं बनी होगी, द पार्टी इज नॉट अप्लाइंग, ठीक है, कोर्ट जितना भी टाइम ले रही है बट जो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड है द पार्टी हैज टू अप्लाई इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसके बाद कोर्ट चाहे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगाती है, ठीक है, हमें वो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड में अप्लाई करना है। इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्वायर्ड, जो टाइम रिक्वायर्ड है फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द डिग्री और एन ऑर्डर, एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट, एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट टू प्रिपेयर द डिग्री और ऑर्डर, ठीक है, जितना भी टाइम कोर्ट ने लिया टू प्रिपेयर द डिग्री और ऑर्डर बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर अ कॉपी, जब तक वो एप्लीकेशन नहीं लगती, ठीक है, बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर अ कॉपी देयर ऑफ इज मेड शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड, एप्लीकेशन लगाना जरूरी है,
विद इन द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड. ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 13,